हेलो जी, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये रेडीमेड गला है, ये रेडीमेड गला हम किस तरह से कुर्ती पे लगाते हैं और जो बैक गला है उस पे उरेब की पट्टी से हम कैसे तैयार करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो हमने ये कुर्ती कटिंग कर ली है, इसका शोल्डर हमने लिया है 6.5 इंच का। जो गले की गहराई हम यहाँ रखेंगे वो रखेंगे 2.75 इंच पर, ठीक है। तो यहाँ हम निशान लगाएंगे 2.75 इंच पर और नीचे की साइड हम लगाएंगे 3 इंच पर। इस निशान को सीधा कर लेंगे और जो गले की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 5 इंच। अगर हम यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाएंगे, 5 इंच पर कटिंग करेंगे, तो ये हमारा 5 इंच ही तैयार हो जाएगा। आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, उतना ही हमारा जब हम यहाँ पर सिल लेंगे तो यहाँ बढ़ जाएगा। तो ये हम जितना कटिंग करेंगे उतना ही हमारा तैयार होगा। तो इस तरह से गोलाई दे करके हम नेक को कटिंग कर लेंगे। ये हमने नेक कटिंग कर लिया। अब हम इसको बुकरम वाले गले को तो साइड में हटा देते हैं, पहले ये गला हम तैयार करेंगे। तो पीछे का गला तैयार करने के लिए हमें अब कटिंग करना होगा उरेब में पट्टी। तो अब हमारे पास ये सलवार में से बचा हुआ कपड़ा है और यहाँ से ये उरेब में है। उरेब में कपड़ा वो होता है जिसमें लचक होती है, ठीक है। ये तिरछा हमें कटिंग करना होता है, तो इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। अगर आपके पास सीधा कपड़ा है और उसमें से आपको कटिंग करना है, तो किस तरह से उरेब का कपड़ा कटिंग करेंगे, जैसे ये हमारे पास सीधा कपड़ा है, अब हमें इसमें से कटिंग करना, तो इस तरह से हम तिरछा करके इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने पट्टियाँ कटिंग कर ली है, अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे। एक पट्टी इधर रखेंगे और दूसरी पट्टी का फेस हम इसके दूसरी साइड रखेंगे। जैसे यहाँ से एक कोना इधर जाएगा तो दूसरी पट्टी का दूसरा कोना दूसरी साइड होना चाहिए। अगर इस तरह से हम सिल लेंगे तो ये एकदम सही सिलाई में आएगा। तो ये देखिए, हमने इस तरह से सिल लिया है और इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे तो ये ऐसे आ जाएगी पट्टी। अब ये हमारी कुर्ती की सीधी साइड है, जिस साइड से हमने कटिंग किया था उसी साइड से हमारा ये सीधा है। और इसको हम किसी भी एक साइड से ऊपर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके अलग कर देंगे। और ये देखिए, दोनों को साथ में मिलाते हुए एक पैर की सिलाई लगाएंगे। हल्के हाथ से इस पट्टी को थोड़ा सा टाइट रखेंगे, अगर इसको ज़्यादा लूज रखेंगे ना तो गला फैल जाएगा और गला लूज भी बनेगा, तो इसलिए इसको हल्के हाथ से हल्का सा टाइट रखेंगे, ज़्यादा टाइट भी नहीं रखेंगे। ये देखिए, एक एक पैर की हमने सिलाई लगा ली। अब ये जो हमने पट्टी लगाई है ये गोलाई में गला है, तो इसमें हम लगा लेंगे कट। कट लगाने के बाद मार्जिन आगे की साइड रहेगा, कपड़े को हम ऐसे रखेंगे। ऐसे रखते हुए देखिए, पट्टी की साइड मार्जिन रहेगा, पट्टी की साइड मार्जिन रहेगा और ऊपर से हम इतना इसको फोल्ड कर लेंगे जितना हमने अंदर से कपड़ा दबाया है, उतना ही यहाँ पर हम पट्टी को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से।
इस तरह से फोल्ड करके बिल्कुल यहाँ पर किनारी पर सिलाई लगा लेंगे, जहाँ पर हमने पहले सिलाई लगाई है उसी के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए बिल्कुल बराबर हमने सिलाई लगा ली है पूरी पट्टी को पलट के और ऊपर से किनारी पर सिलाई लगा ली, देख सकते हैं। अब मैं आपको बैक साइड से भी दिखाऊंगी, बैक साइड से इस तरह से आएगा। जो एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर हमारा निकला हुआ है इसको अब हम कटिंग कर लेंगे और कटिंग हम बड़े ध्यान से करेंगे। यहाँ हमारी कुर्ती भी कटिंग हो सकती है साथ में, तो इसको हम ध्यान से कटिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसको पट्टी को लगा लिया है, पट्टी को एकदम तैयार कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से गोलाई आई है, कहीं पर भी नेक नहीं फैलेगा। हल्के हाथ से थोड़ा सा टाइट हम उरेब वाली पट्टी को रखेंगे, ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा लूज भी नहीं, मीडियम साइज। तो इस तरह से पट्टी फिनिशिंग के साथ लगेगी। अभी यहाँ पर काम ख़त्म नहीं होगा, उसके बाद इसको हम नीचे की साइड पलटेंगे और यहाँ तुरपाई कर लेंगे इस तरह से। अभी मैं इसको यहीं पे छोड़ती हूँ जब तक हम आगे का गला तैयार कर लेते हैं बुकरम पर, इसको बाद में हम सेट करेंगे। इसमें अब कुछ नहीं है, इसको नीचे की साइड पलटेंगे और यहाँ पर इसमें तुरपाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम रेडीमेड नेक को तैयार किस तरह से करेंगे और किस तरह से कुर्ती पर लगाएंगे, तो सबसे पहले तो हम नेक की चौड़ाई चेक करेंगे कितनी यहाँ पर एकदम परफेक्ट इसकी चौड़ाई है और कितने पे हमें इसको रखनी है। तो इसकी चौड़ाई आई है 5.5 इंच पर और हम इसको 5.5 इंच पर ही तैयार करेंगे। अब नेक की चौड़ाई जैसे है 5.5 इंच पर और हम इसको तैयार कर देंगे 6 इंच पे, तो ये गला सेट नहीं आएगा। ये गला हमारा ऊपर से इस तरह से हमने इसको ज़बरदस्ती ऐसे करके सील दिया, तो ये जाएगा तो अपनी जगह पे, छोड़ेंगे तो अपनी जगह पे जाएगा। तो जितना गला है उसको उसी हिसाब से हम तैयार करेंगे। अगर जैसे इसकी चौड़ाई है 5.5 इंच की और हमें गला तैयार करना है 6 इंच में, 6 इंच में तैयार करना है, तो हम क्या करेंगे इसको एक पैर इस साइड से कटिंग कर लेंगे, एक पैर इस साइड से कटिंग कर लेंगे, तो ये हमारा टोटल 6 इंच तैयार हो जाएगा। जितनी लंबाई आपको लेनी है लंबाई ले लें और जितनी आपको चौड़ाई करनी है चौड़ाई कर लें। अब जैसे हमें इसमें से हल्का हल्का और कटिंग कर लेंगे, हमें इसको तैयार कर लेंगे 6 इंच चौड़ाई तक, तो हम इसको यहाँ तक कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब होगा ये हमारा 6 इंच चौड़ा, तो इस तरह से हम नेक को सेट कर लेंगे। अगर चौड़ाई ज़्यादा है तो इसको यहाँ से कटिंग करके उसको थोड़ा कम करके जोड़ लेंगे, तो उसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। अब मैंने ये कपड़ा लिया है, इस कपड़े के ऊपर इसको पहले हम रखेंगे। रखने से पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करके बीच में अच्छे से क्रीज बनाएंगे और जितना नेक तैयार करना है जैसे हम यहाँ पर करेंगे 3 इंच पे, तो यहाँ पर अच्छे से निशान लगा के कट लगा लेंगे। कट लगा लिया उसके बाद दोनों साइड जहाँ पर हमारे कट आए हैं, ये थोड़ा प्रिंटेड कपड़ा है तो इसमें नज़र कम आएगा, जैसे यहाँ आ गया एक निशान यहाँ आ गया और ये है हमारी बीच वाली क्रीज, तो हम इसी के ऊपर इसको सेट करेंगे। दोनों साइड से दोनों साइड मिला लेंगे जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं और बीच सेंटर से बीच सेंटर एकदम यहाँ पर हमारा गला फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद यहाँ हम लगाएंगे कच्ची सिलाई,
यहाँ पर अंदर की साइड। अभी मैं लगाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने कच्ची सिलाई कहाँ लगाई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा गैप हमने आबुक्रम का छोड़ा है और इसके साथ साथ ये कच्ची सिलाई लगा ली है मोटी टेप में। अब इसके बाहर की साइड जितना भी कपड़ा है उसको कटिंग कर लेंगे, या हम आधा इंच के करीब कपड़ा छोड़ देंगे, बाकी पूरा कट कर देंगे। अब इस कपड़े को, बाहर का जो कपड़ा है, इसको फिनिशिंग के साथ, जो बाहर की फिनिशिंग है वो बिल्कुल ऐसे इक्वल होनी चाहिए, इस तरह से बिल्कुल अच्छे से, और यहाँ एक कच्ची सिलाई और लगा लेंगे। तो अब ये देखिए बाहर की सिलाई भी हमने लगा ली है और बिल्कुल सफाई के साथ ये जो बाहर वाली हमारी किनारी है इसको हम अच्छे से फिनिशिंग के साथ मोड़ करके अब हम इसको सिल लेंगे कुर्ती के ऊपर। तो कुर्ती के ऊपर दोनों साइड हमने ये कट लगे हुए हैं दोनों साइड से, ये आपको नज़र आ रहे होंगे फोन में, और ये एक बीच सेंटर वाला है तो बीच सेंटर वाले को भी अच्छे से लगा लेते हैं और इसको भी। अब हमें यहाँ नेक लगाने से पहले एक बार नेक को नापेंगे और चेक करेंगे कितना नेक हमें रेडी चाहिए यहाँ पर। तो ये देखिए हमें यहाँ नेक 7.5 इंच है, तो ये यहाँ नेक हो जाएगा 7 इंच तैयार, आधा इंच ऊपर सिलाई में जाने के बाद। अगर आपको 6.5 इंच नेक तैयार चाहिए तो आप इसको 7 इंच रखेंगे, बाकी ऊपर से कटिंग कर देंगे। तो अब दोनों साइडें मिला के और फिर बीच सेंटर को ध्यान में रखते हुए बीच सेंटर से मिलाएंगे और यहाँ एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स बीच सेंटर में हमने एक कच्ची सिलाई लगा ली है, अब यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ बिल्कुल किनारी के ऊपर सिलाई लगाते हुए हम पूरी सिलाई लगा लेंगे। देखिए बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगा ली, अब हम यहाँ से जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर लेंगे। मार्जिन के लिए हम आधा इंच से भी थोड़ा कम यानी कि एक पैर जितना कपड़ा यहाँ पर रख लेंगे। जहाँ पर हमारे ये पॉइंट बने हुए हैं वहाँ पर अच्छे से कट लगा लेंगे और ध्यान रखेंगे धागा नहीं कटना चाहिए यहाँ से। तो हमने अच्छे से कट लगा लिया, अच्छे से कट लगाने के बाद बुकरम को नीचे की साइड पलटेंगे। और पलटने के बाद यहाँ पर भी एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा नेक तैयार हो जाएगा। अभी इसको डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसको चेक करेंगे दोनों को बराबर से मिलाकर। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारा फर्क आता है शोल्डर पे तो उसको बराबर कर लेंगे। तो ये देखिए एक पैर जितना हमारा यहाँ पर आया है थोड़ा सा फर्क है, तो इसको हम कर लेंगे बराबर और यहाँ से भी चेक कर लेंगे। कहीं से भी अगर हमें लगे कि ये थोड़ा सा बाहर की साइड है ये निकला हुआ है उसको हम थोड़ा सा कटिंग करके बराबर कर लेंगे। तो अब ये नेक हमारा तैयार है, अब हम इसको किस तरह से पीछे वाले नेक से सेट करेंगे।
तो आगे के नेक को इस तरह से रखेंगे, शोल्डर से शोल्डर मिलाएंगे, जो हमने उरेप पट्टी लगाई है उसको हम बाहर की साइड ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद इसको अंदर की साइड ऐसे पलट लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते हुए पूरी कंधी को जोड़ लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसको ऐसे खोलेंगे। ऐसे खोलेंगे तो दोनों साइड से ये पट्टी इस तरह से आएगी, और इस तरह से आने के बाद अब हम चाहें तो इस पे यहाँ पर सिलाई लगाएं, तुरपाई करें, कुछ भी करें, ये आपकी इच्छा है। दोनों साइड से पहले हम कंधी इसी तरह से जोड़ेंगे तो इसमें फिनिशिंग आएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें।